hello students welcome to pradesh institute of education i your dipika yadav ma'am going to teach you mathematics today we are going to start a new chapter operations on algebraic expressions so i hope you know what is algebraic expression correct if not then लेट्स रिवाइज व्हाट वी मीन बाय एल्जेबरिक एक्सप्रेशन हम किसी भी एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल्स ले लेते हैं कांस्टेंट होते हैं कोफिशंस होते हैं तो ये जो प्रॉपर हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है इसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक जैसे हम जानते हैं अगर हमने लिखा फाइव एक्स ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये होता है हमारा वेरिएबल करेक्ट ये होता है हमारा कोफिशेंट एंड दिस इज आर कॉन्स्टेंट टर्म सो दिस इज एन एल्जेबरिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल नाउ वी आल्सो हैव ऑल्सोब्रिक एक्सप्रेशन इन मोर देन वन वेरिएबल like this so in this we have coefficient 2 variable x again coefficient 3 variable y and constant term 5 now 2 is the coefficient of x and 3 is the coefficient of y till now we all know all these things correct so up algebraic expression to hame hai. बट जैसे हम बाकी नंबर्स के साथ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसी तरीके से हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कैसे चलिए सीखते हैं फर्स्ट वी स्टार्ट विद एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अब एडिशन क्या होता है कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए

ऑफ़ दी कोपिशन ऑफ दी लाइक टर्म्स एडिशन कर दे टाइम हम लेंगे सारे के सारे लाइक like टर्म्स क्योंकि हमें पता है हम अन लाइक टर्म्स को साथ में सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते तो एडिशन करना होगा अगर हमें तो हम क्या करेंगे सारे लाइक टर्म्स के जो भी जितने भी कोफिशन होंगे हम सिंपली उन कोपिशन को एड कर लेंगे और जो भी हमारा वेरिएबल होगा हम उसे पुट कर देंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं नाउ क्वेश्चन इज एड सिक्स ए प्लस एट बी माइनस फाइव सी नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टू बी प्लस सी माइनस फोर ए नेक्स्ट वी हैव ए माइनस थ्री बी माइनस टू सी सो वी आर हियर हैविंग वन टू एंड थ्री एक्सप्रेशन so we need to add all these real algebraic expression as i told you first we will arrange this expression in that manner like we can add the like terms so here i am writing the terms of the given expression in the same order in form of rows with like terms below each other and adding column wise करना तो हमें ऐड है लाइक टर्म्स को तो अगर हमारे लाइक like टर्म्स इधर उधर होंगे तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी सॉल्व करने के लिए तो हमने क्या किया हमने सारे एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में अरेंज किया कि हमारे सारे लाइक like टर्म्स एक पोजीशन में हमें नज़र आए इसके बाद हमने इसे कॉलम वाइज नोट डाउन कर लिया जैसे हम छोटे बचपन में एडिशन करते थे अब हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था सिक्स ए प्लस एट बी माइनस फाइव सी फर्स्ट पोजिशन पे है ए वेरिएबल सेकेंड में है बी एंड थर्ड पोजिशन पे है सी इसको हमने एज इट इज लिखा सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी प्लस सी माइनस फोर ए अब यहाँ पर वेरिएबल की पोजिशन सेम है क्योंकि हमने फर्स्ट वाले वेरिए फर्स्ट वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट पोजीशन में वेरिएबल लिया है ए तो हमारे लिए इजी होगा अगर इस वेरिएबल के नीचे हम ए वाला नंबर ही नोट डाउन करें तो हमने इस वेरिएबल को लिख लिया है टू बी प्लस सी माइनस फोर ए को हमने अरेंज कर लिया है ए बी सी के फॉर्म में तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम इनके साइन के साथ ही इन्हें लिखें तो फोर ए के साथ था माइनस साइन तो हमने इसे एज इट इज़ लिख लिया माइनस फोर ए क्योंकि हम सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम इनकी ट्रांसपोजिंग नहीं कर रहे हैं जिससे इनके साइन चेंज हो जाए तो पोजीशन चेंज करते टाइम साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आते फोर ए टर्म थी इसीलिए हमने उसे नेगेटिव ही लिखा है नेक्स्ट वी हैव टू राइट

दो एक्सप्रेशन तो हमने अरेंज कर लिए सेम चीज हम हमारे थर्ड एक्सप्रेशन के साथ भी करेंगे बट इसमें हमारे को अरेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी सो आई एम राइटिंग ए माइनस थ्री बी माइनस टू सी आज इट इज अब यहाँ पर हमारे सारे लाइट टर्म्स ए के नीचे एक हैं कॉलम वाइज में अब हमें क्या करना है वेरिएबल हम जो है वो लिखेंगे उसके बाद सारे कोफिशंट्स का सम फाइंड कर लेते हैं तो फर्स्ट कोफिशन है सिक्स नेक्स्ट वी हैव माइनस फोर सो सिक्स माइनस फोर टू करेक्ट नाउ हियर वी हैव टू एंड हियर वी डोंट हैव एनी कोफिशन मींस वी हैव वन हियर, सो टू प्लस वन इट बिकम्स थ्री so this is how we are getting 3a 6 minus 4 2 4 plus 1 because there is no sign here so we are taking plus sign we will always take positive sign when we have no sign in front of any coefficient so 6 minus 4 2 2 plus 1 3 so this sum is 3a next we will solve this, these like terms so here

क्योंकि हमारी बिगर लार्जर नंबर जो है वो है टेन तो हमें मिला सेवेन बी विथ पॉजिटिव साइन अब हमारे पास है सी तो सी को सॉल्व करने के लिए हम सी के सारे वेरी कोपिशंस एड कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव फाइव सी पॉजिटिव सी एंड अगेन नेगेटिव टू सी इसे सॉल्व करने के लिए माइनस फाइव प्लस वन सो माइनस फाइव प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस फोर माइनस फोर माइनस टू सी नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव सो माइनस फोर माइनस टू विल बी इक्वल्स टू माइनस सिक्स सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग माइनस सिक्स हि सो इस तरीके से हम एलजेब्लिक एक्सप्रेशन के साथ एडिशन करते हैं सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है सारी की सारी सा, टर्म्स जो हैं जो हम ऐड कर रहे हैं वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए मतलब उनका वेरिएबल जो है वो सिमिलर होना चाहिए अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये अनलाइक टर्म्स में है इसीलिए ये आपस में सॉल्व नहीं हो रहा अगर ये लाइक टर्म्स होते तो ये सारा का सारा आपस में ऐड या सबक्रैक्ट हो जाता करेक्ट सो okay. so so here वी नीड टू add दिस दिस एंड दिस अभी हमारे जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें वेरिएबल्स थे सिर्फ हमारे जो एक्सप्रेशन थे वो लीनियर फॉर्म में थे अब यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स में पावर्स भी आ गई है मतलब हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स इसे भी हम अनलाइक टर्म में ही कंसिडर करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म जो है ये अनलाइक टर्म्स ही होते हैं इन्हें हम यहाँ पर लाइक like टर्म्स नहीं ले सकते चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है सिमिलर जैसे अभी हमने सॉल्व किया हम सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख लेंगे लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं पावर की एक्स स्क्वायर एक्स देन कॉन्स्टेंट उसके बाद हम इसे कॉलम में अरेंज कर लेते हैं सो so, फर्स्ट वाले टर्म को हमने लिखा फर्स्ट वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने लिखा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एट सेकेंड वाले को भी अरेंज कर लेते हैं सो so, सेकेंड वाले को हमें पहले लिखना था एक्स स्क्वायर इसीलिए हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट टर्म वी हैव टू राइट एक्स सो हियर वी आर राइटिंग

अब सिंपली हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो हमें पता है ये सारे आपस में सॉल्व होंगे ये सारे आपस में सॉल्व होंगे और सारे कांस्टेंट आपस में सॉल्व होंगे चलिए कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ सेवन कैसे आया तो चेक करते हैं फाइव माइनस टू विल बी इक्वल्स टू थ्री पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव थ्री प्लस फोर विल बी इक्वल्स टू सेवन सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग सेवन एंड हियर दल इज एक्स स्क्वा सो दट्स वाई वी आर राइटिंग एक्स स्क्वायर हियर हमने पढ़ा है जब हम लाइक like टर्म्स को एड करते हैं तो जो सम आता है हमारा वो भी एक लाइक like टर्म ही आता है एडिशन सब केस में हमारा वेरिएबल में कोई भी चेंजेस नहीं आते नेक्स्ट एक्स वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं सो थ्री प्लस फोर सेवन सेवन माइनस फाइव टू सेवन माइनस फाइव टू आएगा और वो भी आएगा पॉजिटिव क्योंकि सेवन इज नाउ सो दिस इज वाई वी आर गेटिंग प्लस टू एक्स नेक्स्ट सिंपल अब सारे कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं नंबर या अपरा करना तो हमें आता ही है सो माइनस एट प्लस सेवन विल बी इक्वल्स टू माइनस वन करे माइनस वन प्लस सिक्स सो माइनस वन प्लस सिक्स विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव फाइव सो फाइनल सम इज सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव तो यहाँ हमने ऐड किया तीन अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को और हमें फाइनल सम टोटल जो मिला है वो मिला है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड

वेरिएबल यहाँ पर डिफरेंट है बट उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी एडिशन हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी करते आ रहे थे यहाँ पर जो लाइक like टर्म्स होंगी वो सेम वेरिएबल्स वाली हो जाएंगी जैसे अभी तक होती थी तो एक्स स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स हैं एक्स वाई वाले जितने भी टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स हैं एंड देन वाई स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स हैं चलिए लिख लेते हैं इन्हें कॉलम में सो so हमने इन्हें अरेंज कर लिया डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स विथ लाइक टर्म्स अंडर ईच अदर सो फर्स्ट वी हैव एट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस वाई थ्री वाई स्क्वायर देन वी हैव थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाई के अंदर एक्स वाई वाली टर्म और वाई स्क्वायर के नीचे y वाई स्क्वायर y वाली टर्म नेक्स्ट वाले को भी हमने कुछ इसी तरीके से लिख लिया अब हमें क्या करना है इनका एडिशन तो हम इनके कोफिशिएंट्स को लेके एडिशन करते हैं चलिए देखते हैं कैसे आया सो एट प्लस थ्री 11 11 minus 6 5 correct so this is how we got 5x square now let's move on to xy so minus 5 plus 2 minus 5 plus 2 will be equals to minus 3 minus 5 plus 2 हमें पता है इंटीजर के केस में जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो साइन हम लेते हैं वो बिगर वैल्यू का लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन सो फाइव माइनस टू करेंगे तो हमें मिलेगा थ्री और थ्री क्योंकि फाइव हमारी बिगर वैल्यू है तो हम यहाँ पर लेंगे माइनस थ्री सो माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस वन So, we will have minus 2. So, this is how we are getting minus 2xy. Now, let us solve this y square plus 3 minus 6. Plus 3 minus 6 will be equals to minus 3, correct? Now, minus 3 plus 1. माइनस थ्री प्लस वन विल बी इक्वल्स टू माइनस टू करेक्ट सो अगेन वी आर गेटिंग माइनस टू विथ वाई स्क्वायर अब हम किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन को एड कर सकते हैं करेक्ट सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि हमें जो भी एड कर रहे हैं हम वो लाइक टर्म्स होने चाहिए अनलाइक टर्म्स के साथ हम एडिशन नहीं कर सकते addition सीख लिया। Now, what about subtraction? So, अभी हम जब एडिशन कर रहे थे तो हम एडिशन के साथ साथ कहीं पर सब्रैक्शन भी कर रहे थे तो थोड़ी बहुत चीजें तो यहाँ पर भी सिमिलर है बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस आता है देखते हैं वो क्या है सबसे पहले हम अरेंज करेंगे हमारी गिवन एक्सप्रेशन को एक सेम ऑर्डर में जैसे हम अभी कर रहे थे सारे एक्सप्रेशन को सेम ऑर्डर में लिख रहे थे जैसे अगर हमने लिखा 5a ए प्लस टू बी तो हम मेक श्योर sure कर रहे थे कि सेकेंड वाला एक्सप्रेशन में भी a, b, c के फॉर्म में ही लिखें यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप

हमें पता है जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं कॉलम वाइज तो हम मेक श्योर sure करते हैं कि जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम नीचे लिखते हैं करेक्ट एक्सप्रेशन के साथ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ भी हम यही चीज़ करेंगे जिस भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा उसे हम हमेशा अंडर वाली कंडीशन में लिखेंगे चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म इन दोएस्ट रो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव नाउ दिस इज द डिफ्रेंस वट आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पर क्या होता है सब्ट्रैक्शन के केस में जो भी हमारा सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हम उसके सारे जो साइन होते हैं उसे चेंज कर देते हैं अगर कोई टर्म पॉजिटिव है तो उसे हम नेगेटिव कर देते हैं नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं के केस में ये एक पॉइंट है, जो हम हमें हमेशा या ध्यान में रखना है करेक्ट? राइट, न्यू साइन ऑफ टर्म ऑफ लोअर रो एंड कॉलम वाइज जो भी हमारे साइन होंगे हम उसे नोट डाउन कर लेंगे इस तरीके से कि हमें ध्यान में रहे कि अब ये साइन चेंज हो चुका है बाकी जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हम इसे आगे सॉल्व करेंगे चलिए करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है 4a ए प्लस फाइव बी माइनस थ्री सी फ्रॉम सिक्स ए माइनस थ्री बी प्लस सी तो सब्ट्रैक्शन का रूल हमें कहता है ये कि जिस भी नंबर में से हमें सब करना है उसे हम फर्स्ट ऑर्डर में लिख लेते हैं तो हमें इस वाले नंबर में से सब करना है तो इसे हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर में तो हमने लिखा सिक्स ए माइनस थ्री बी प्लस सी नेक्स्ट जिस नंबर को सब करना है वो आ जाएगा बिलो दिस नंबर या सेकेंड ऑर्डर में तो हमें एक सेकेंड एक्सप्रेशन को इसके नीचे नोट डाउन करना है और यहीं पर ही हम अरेंज करेंगे कि लाइक टर्म्स लाइक टर्म के नीचे ही आनी चाहिए जैसे यहाँ है सिक्स ए तो यहाँ पर इसके नीचे जो भी टर्म आएगी वो ए वेरिएबल की ही होगी तो इस एक्सप्रेशन में क्योंकि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी फर्स्ट पोजिशन पे ए है सेकेंड पे बी है थर्ड पे सी है तो हम लिख लेते हैं फोर ए प्लस फाइव बी माइनस थ्री सी यहाँ तक तो हमने जैसे करते थे वैसे कर लिया अब हमें क्या करना है ध्यान आया हमें साइन चेंज करने हैं जो भी हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है तो कर लेते हैं हम साइन चेंज ये यह नंबर यहाँ पर पॉजिटिव था क्लियर क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं था मतलब फोर्स जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव था तो हम इसे कर लेते हैं नेगेटिव ये नंबर था पॉजिटिव तो ये हो जाएगा नेगेटिव ये नंबर था नेगेटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हमें साइन जरूर चेंज करना है जब भी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हों ऐसा क्यों हो रहा है चलिए देखते हैं थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाते हैं और हम इसे थोड़ा सा स्टेटमेंट मैनर में ही अगर लिखें सपोज़ हमारे पास कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन है फाइव एक्स प्लस टू इसमें से हमें सब करना है टू एक्स प्लस थ्री तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक करना है इसलिए हमने बिटवीन नेगेटिव साइन लिया है अब हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा तो ब्रैकेट रिमूव जब होगा तो ये नेगेटिव साइन इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस टू एक्स एंड माइनस प्लस अगेन माइनस थ्री तो हमने देखा इस एक नेगेटिव साइन ने नेक्स्ट वाले जितने भी टर्म्स थे उन सारे टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया यहाँ पर भी कोई कुछ यही प्रोसेस ही होती है क्योंकि हम जब यहाँ सपट्रैक करते हैं तो हमें लगाना होता है एक सब्ट्रैक्शन साइन अब ये जो सब्ट्रैक्शन साइन है सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म के साथ नहीं है ये सारे टर्म के साथ है इसीलिए हम इस साइन को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर ये जो हम साइन चेंज कर रहे हैं उसका यही मतलब है कि हम इस नेगेटिव साइन को सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्लियर चलिए अब सॉल्व करते हैं अब जैसे सॉल्व करना है हम वैसे ही करते हैं हमें सबट्रैक्ट करना है सिक्स ऑफ फोर को अब जो हमारा फोर है वो हो चुका है नेगेटिव सो वी नीड टू सबट्रैक्ट फोर फ्रॉम सिक्स तो सिक्स माइनस फोर विल बी इक्वल्स टू टू ए अब टू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हमारा बिगर वैल्यू जो थी वो थी सिक्स नेक्स्ट बी वाले टर्म को सॉल्व करते हैं थ्री माइनस फाइव हमें ध्यान रखना है कि फाइव का साइन अब चेंज हो चुका है नेगेटिव में तो हम नेगेटिव साइन ही देखेंगे सो माइनस थ्री माइनस फाइव विल बी इक्वल्स टू माइनस एट करेक्ट सी को सॉल्व करते हैं सो so यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हमें मालूम है दैट हियर वी हैव वन सो वन प्लस थ्री वन प्लस थ्री फोर एंड बोथ दाइन्स आर पॉजिटिव सो वील गेट दी पॉजिटिव साइन हियर सो दिस इज द डिफ्रेंस इजी था करेक्ट बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है अदरवाइज हम जैसे ही सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी आप भी सॉल्व कर सकते हैं चलिए करते हैं साथ में सॉल्व सबसे पहले जिस नंबर से हमें सब करना है उसे हम फर्स्ट ऑर्डर में लिख लेते हैं और यहाँ पर हम इसे अरेंज भी कर लेते हैं इनकी डिसेंडिंग पावर में तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कॉन्स्टेंट तो हम लिख लेते हैं माइनस टू एक्स स्क्वायर आई टोल्ड यू कि हम पोजीशन चेंज करते टाइम साइन चेंज नहीं करते माइनस टू एक्स टू एक्स स्क्वायर जो था वो नेगेटिव था इसीलिए वो नेगेटिव ही रहेगा उसको हम नेगेटिव साइन के साथ ही लिखेंगे हमें अब लिखना है एक्स तो एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव है नेक्स्ट हमें कांस्टेंट टर्म लिखनी है कॉन्स्टेंट टर्म के पहले कोई भी साइन नहीं है मतलब ये पॉजिटिव ही है करेक्ट अब जिसको सब करना था उसे सेकेंड ऑर्डर में लिखते हैं लिख लेते हैं लाइक like टर्म्स के अंडर लाइक टर्म्स को तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर वाली टॉप तो वो है थ्री एक्स स्क्वायर नेक्स्ट वी हैव माइनस सिक्स एक्स देन वी हैव माइनस फोर क्या करना है अब हमें करना है साइन चेंज चलिए कर लेते हैं हमें पता है ये अभी पॉजिटिव है नाउ दिस पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव आल्सो बिकम्स पॉजिटिव अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर लेते हैं माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री विल बी इक्वल्स टू minus 5. So, here we are having minus 5 x square plus 1 plus 6. So, 6 plus 1 7 with positive sign and then we have x. Now, 5 plus 4 plus 5 plus 4 will be equals to plus 9. So, here we got the difference. कितना इजी है सब प्राक्शन सॉल्व करना भी करेक्ट सो दैट्स इट फॉर टू डेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन अ नेक्स्ट पार्ट सो हाउ डू यू ऑल नो वेन विल हव नेक्स्ट लेक्चर कम सो फॉर दिस यू हैव टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल थैंक यू